बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मैनी साइंटिस्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। Many scientists studied the cathode rays and discussed their properties. बहुत से साइंसदानों ने cathode rays को study किया और उनकी खासियत को explain किया। तो ये जो अब हम कुछ properties पढ़ेंगे, इसमें बहुत से scientists ने काम किया है। तो first one जो property है हमारे साथ, cathode rays move away perpendicular from the surface of cathode. ये जो कैथोड रेज है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इसमें ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है, और यहाँ पे हमने बैटरी अटैच किया है, हाई वोल्टेज सोर्स सप्लाई किया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि ये आपके पास कैथोड प्लेट है, तो ये जो कैथोड रेज बनते हैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल बनती है, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। परपेंडिकुलर को मैथमेटिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैथोड रेज मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, कैथोड के सरफेस से दूर जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैथोड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और कैथोड रेज पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारे साथ ये जो कैथोड रेज होते हैं ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जाते हुए किस तरफ, एनोड प्लेट की तरफ। नेक्स्ट तो हमारे साथ कैथोड रे की प्रॉपर्टी है, कैथोड रेस कैन आयनाइज एनी गैस। कैथोड रेस किसी भी गैस के अंदर अगर हम पास कर ले तो उस गैस को आयनाइज कर सकता है। आयनाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी गैस के मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। तो कैथोड रेस में ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी गैस को आयनाइज कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस में ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कैथोड रे जब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के सब्सट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपने साथ निकाल लेता है, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन आने वाला था, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से निकाला तो यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की केटाइन मिलता है H2+। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो कैथोड रे में ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी गैस को आयनाइज कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है, दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9-10 में दो प्रोसेस पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन के भी थ्री प्रॉपर्टीज है, खासियत है, और ऑक्सीडेशन के भी। रिडक्शन जो है हमारे साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन इनका ऑपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ पर कैथोड रेज में ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन रिड्यूस एनी सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अगर आप किसी मटेरियल में से पास कर ले तो बिसाइड आयनाइजेशन, आयनाइजेशन तो अलग प्रॉपर्टी है, इसके साथ साथ ये रिडक्शन भी कर सकता है। यहाँ पे हमने लिखा है दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट, इसमें रिड्यूसिंग इफेक्ट है एंड कैन कॉज अ केमिकल चेंज। चूंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे साथ
केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसलिए केतोड रे एक केमिकल चेंज कास्ट कर सकता है, यानी कि रिडक्शन कर सकता है इन अ मटेरियल, उस मटेरियल में केमिकल चेंज कर सकता है ऑन व्हिच दे फॉल, जिस पे ये पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारे साथ फोर्थ वन प्रॉपर्टी है, इट हिट्स द मेटल सरफेस ऑन स्ट्राइकिंग, केतोड रेज अगर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उस मेटल सरफेस को क्या करता है, हीट अप कर लेता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे जब ये मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट में, तो ये मेटल सरफेस को हीट अप कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है कि तोड़ रहेगी, दे कास्ट आर प्रोड्यूस शेडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब में यहाँ पे ये ग्लास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ये आपके पास केतोड हो गया, और यहाँ पे ये जो एनोड प्लेट है, तो एनोड प्लेट यहाँ पे हमने मेटल क्रॉस की शेप में बनाया है, ये एनोड जो है ये एक मेटल से बना है और ये मेटल क्रॉस शेप में है, तो यहाँ पे आपके पास जब ये ट्यूब के अंदर केतोड रेज फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो ये केतोड रेज जा रहे हैं फ्रॉम केतोड टुवर्ड्स एनोड, केतोड से एनोड की तरफ केतोड रेज जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ इधर पे अगर आप देख ले तो यह हमारे साथ एक शेडो बनती है, ये यहाँ पे क्या बनी है, शेडो इस मेटल क्रॉस की बनी हुई है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस ट्यूब के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर केतोड रेज में यह खासियत है कि ये साया को, शेडो को प्रोड्यूसर या कास्ट कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर लाइट आ रहा है, आप अपने मोबाइल का टॉर्च अगर ऑन कर ले और इस तरफ से ऑन कर ले, तो ये मेरे हाथ का जो साया है, शेडो है, ये इस बोर्ड पे बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से केतोड रेज भी साया यानी के शेडो को कास्ट कर सकता है। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है, दे कैन रोटेट अ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एज दे आर मूविंग पार्टिकल्स विद डेफिनेट मास एंड एनर्जी। केतोड रेस के रास्ते में अगर फॉर एग्जांपल केतोड रेस के रास्ते में लेट सपोज यहाँ पे स्मॉल पिन व्हील, छोटी सी पहिया अगर हम लगाए, तो ये केतोड रेस, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास केतोड रे ट्यूब है, यहां से केतोड रेस बन रहे हैं जो कि एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो केतोड रेस बनते हैं और इसके रास्ते में हमने एक स्मॉल पिन व्हील लगाया है, छोटी सी पाया लगाया है, तो ये इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करता है, एज दे आर मूविंग पार्टिकल्स, ये जो केतोड रे होते हैं ये हकीकत में मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जब स्मॉल पिन व्हील के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसको, इस पैर को क्या करता है, रोटेट कर लेता है, और इसका मतलब ये हो गया कि दे आर मूविंग पार्टिकल्स, ये हरकत करने वाले पार्टिकल्स है विद डेफिनेट मास, इसका अपना एक मास होता है एंड एनर्जी, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप सीख ले कि जिस सब्सटेंस के पास, जिस शे के पास फॉर एग्जांपल जिसका मास भी होता है और एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मोमेंटम भी होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ केतोड रेज की अपनी एक खास मोमेंटम भी होती है, और इसके नतीजे में हमारे साथ इस स्मॉल पिन व्हील को ये क्या करता है, इसको रोटेट करेगा।
इस तरह से हमारे साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है ये भी इसमें प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एज दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पे हमने ये कैथोड बनाया है, ये हमारे साथ एनोड बनाया है। यहाँ पे दो मेटेलिक प्लेट्स, ट्यूब के बाहर दो मेटेलिक प्लेट्स हमने अटैच किए हुए हैं और उसको भी हमने बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ बटन है, ये बटन जब हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे कैथोड रेज फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिस तरह आपने पहले टॉपिक में पढ़ा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ये वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट है। तो ये कैथोड रे जो है हमारे साथ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ जाते हैं। तो ये जो बेंडिंग है, ये जो डिफ्लेक्शन है, इससे ये जाहिर होती है कि कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है दैट कैथोड रेज हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसलिए ये साबित हुई कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हमारे साथ एट नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, इट कैन आल्सो डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द साउथ पोल। अब लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स आपने एक कैथोड रे ट्यूब लिया है और उसके ऊपर एक यू शेप का मैग्नेट लगाया है। तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक हमारे साथ नॉर्थ पोल है जो कि पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और दूसरा हमारे साथ साउथ पोल है जो कि हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कैथोड प्लेट हो गया और ये वाला एनोड प्लेट हो गया और ये कैथोड रेज बंद है। तो यहाँ पे जब आपने बटन को ऑन किया और कैथोड रेज फॉर्मेशन शुरू हो गई, तो यहाँ पे हमारे साथ ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होते हैं नॉर्थ पोल, मैग्नेट की जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नॉर्थ पोल हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब हम इस ट्यूब के ऊपर से मैग्नेट को अटैच करते हैं और ये मैग्नेट का वो वाला तरफ है जो कि नॉर्थ पोल है, तो हमारे साथ ये जो कैथोड रेस होते हैं ये उस तरफ पे बेंड हो जाती है। तो ये हमारे साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स इस ये जो प्रॉपर्टी है हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है कि हमारे साथ मेनी साइंटिस्ट, ये हर एक प्रॉपर्टीज पे अलहदा अलहदा साइंटिस्ट ने काम किया है और कैथोड रे की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है नाइन्थ नंबर पे है, दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक विद अ हैवी मेटल एनोड। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम एक्सरेस पढ़ेंगे और फिर एक्सरेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आप सीख जाएंगे कि हमारे साथ एक्सरेस कैसे बनती है, क्या मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ये पढ़ ले कि जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल, मेटल जो होते हैं ये हमारे साथ टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं
लाइट मेटल्स जो कि एस प्लस वाले हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम वगैरह, जिसकी डेंसिटी कम होती है। और एक होते हैं हेवी मेटल्स जो कि डी प्लस वाले हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे साथ जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर आयरन वगैरह है। तो अगर ये एनोड हम हेवी मेटल से बनाए, आयरन से बना ले या फॉर एग्जाम्पल जिंक से बना ले, तो ये कैथोड रेज जब उस हेवी मेटल एनोड पे पड़ते हैं तो इसके नतीजे में यहाँ पे हमारे साथ एक्सरेज क्रिएट होते हैं। तो ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेज हैव द प्रॉपर्टी दैट इफ दे आर फॉलिंग ऑन द हेवी मेटल एनोड देन दे विल क्रिएट एक्सरेज। कैथोड रेज अगर हैवी मेटल से बनी हुई एनोड पे स्ट्राइक करते हैं तो उस स्ट्राइकिंग के नतीजे में यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, एनर्जी लॉस कर जाती है और वो एनर्जी हमें एक्सरेज की फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है नंबर 10, they produce fluorescence or glow on striking with a glass tube. ये glass tube पे जब पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि कैथोड रेज जब यहाँ पे आ रहे थे और इस glass tube के inner side के साथ जब ये strike कर रहे थे तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि कौन सी किस्म की color पैदा हो रही थी, आपको याद होगा green glow। तो यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे साथ ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर ग्रीन किस्म की चमक पैदा हो रही है। तो ये कैथोड रेज जब ग्लास के अंदरूनी सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो ये सब्ज किस्म की चमक, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, चमक या ग्लो भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारे साथ, इट कैन पेनिट्रेट मेटेलिक शीट्स इन मेटेलिक शीट्स लाइक एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये मेटेलिक शीट के अंदर पेनिट्रेशन कर सकती है, पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर घुस जाने की सलाहियत। तो ये अगर हम कैथोड रेज, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कैथोड रेज है और यहाँ पे लेट सपोज आप इधर पे एक शीट रख ले, वो शीट सपोज लेट सपोज करें कि आपके पास आयरन से बना है या फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम से बना है, तो ये इसके अंदर से पास हो सकती है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो भी ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे साथ 12th नंबर पे प्रॉपर्टी है चार्ज टू मास रेशो। अगर कैथोड रेज, E का मतलब है चार्ज और M का मतलब है मास, कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज है उसको अगर हम इस कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज पार्टिकल्स है तो पार्टिकल का अपना एक मास होता है, तो उस मास पे अगर चार्ज को हम मास पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे साथ चार्ज टू मास रेशो कहलाती है। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन इज 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो ये हमारे साथ उसकी चार्ज टू मास रेशियो है, ये एक फिगर है, ये आपने याद करना है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में, इटालियन डिकेट में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपने याद करना है। तो ये अगर आप कैथोड रेज की चार्ज जो होती है उसको उसके मास के साथ उसकी रेशो ले ले तो ये हमारे साथ ये फिगर बनता है। और कूलम चार्ज की यूनिट है और किलोग्राम हमारे साथ मास की यूनिट है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, केतोड रेस, क्योंकि केतोड रेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इज 1.60 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इस फिगर के बराबर है 1.6022 × 10^-19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ज की वैल्यू को और यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो हमारे साथ टॉपिक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, तो इन दो वैल्यूज को यूज करके हम फिर उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कुछ किताबों में यहाँ पे आप इसके साथ ये भी अगर एड कर ले तो अच्छा होगा कि विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर भी होता है और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, लेकिन फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है उसका नेचर जो है वो आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो साइन है प्रोटॉन की चार्ज का वो हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सिर्फ नेचर अपोजिट होने की वजह से हम फिर इसके साथ लिखते हैं कि विद नेगेटिव साइन और उसके साथ लिखते हैं विद पॉजिटिव साइन प्रोटॉन की जो चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स, इन फैक्ट्स की बुनियाद पर, ये जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़े के दो ड्रेस की, तो इन फैक्ट्स की बुनियाद पर इट वाज कंक्लूडेड, ये साबित हो गई दैट दीज रेज वर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, की ये जो कि दो ड्रेस है दीज आर नॉट एक्चुअली द रेज, ये रेज नहीं होते, चूंकि पहले तो हमने गोल्डस्टीन ने इसका नाम रखा था कि दो रेज, तो ये रेज इसलिए रखा था कि वहां पे एक खास किस्म की ग्लो पैदा कर रही थी, तो बिल्कुल जिस तरह के आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं उसी तरह की चमक पैदा कर रही थी, तो उसने इसका नाम रखा कि केतोड रेज, की केतोड प्लेट से निकलते हैं और रेज की तरह ये फ्लोरेसेंस भी यहाँ पे पैदा करता है और चमक होती है ट्यूब के अंदर, तो केतोड रेज, गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर नाम रखा। बट एक्चुअली दीज आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हकीकत में हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स, तो ये रेज नहीं है बल्कि क्या है, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जिसके ऊपर हमारे साथ नेगेटिव चार्ज होता है। जी जे स्टोनी, ये एक दूसरा साइंटिस्ट आया, नेम इट इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसने इन केतोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स है जो कि हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के जो प्रॉपर्टीज है इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया था। सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरे नंबर पे गोल्डस्टीन आया, गोल्डस्टीन ने केतोड रेज को स्टडी किया और इस केतोड रेज के ऊपर नाम रखा केतोड रेज। फिर थर्ड नंबर पे जेजे थॉमसन आया और जेजे थॉमसन ने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए हमारे साथ कि इट कैन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कैन रिफ्लेक्ट टुवर्ड नॉर्थ पोल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जेजे थॉमसन ने इसका नेगेटिव नेचर डिस्कवर किया और फिर हम क्रेडिट भी ज्यादा जेजे थॉमसन को देते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेजे थॉमसन, बट द नेम इलेक्ट्रॉन वाज काइंड बाय जी जे स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का जो नाम है ये जी जे स्टोनी एक साइंटिस्ट था, तो उसने इसके केतोड रेज के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन्स का नाम रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह टॉपिक की समझ अब आ गई है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।
इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है और वो मैथमेटिकल डिराइवेशन है इन दो वैल्यूज चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, इसको यूज करके फिर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिराइव करेंगे, उसको मालूम करते हैं नेक्स्ट। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो हम है पढ़ेंगे वो हम केनाल रेज पढ़ेंगे जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको इंशाल्लाह आंसर बहुत ही जल्द मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स अपने फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स।